मालदीव और लक्षद्वीप की कॉन्ट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं, जो कुछ लोगों ने अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया मालदीव के नेताओं ने? देखिए, मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूं, मैं कभी गया नहीं हूं। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूं जब वहां पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो है उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता, मैं मालदीव गया नहीं हूं। ये समझता हूं कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए, और ये तभी होगा जब वो भी इसका रिस्पांस अच्छा दें और भारत और चीन जो हैं वो दोस्ती में जैसे पहले थे। आपको याद होगा जब पंचशील बना था नेहरू के वक्त में, उसमें चो एन लाई थे जो एक सतून थे, मगर फिर जब वॉर हो गई वो 60 की या 61 की, तो उसने फिर हमारे धाड़े डाल दी। मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये धाड़े जो है ख़त्म हो जाएंगी और चीन और हिंदुस्तान फिर से, जिस तरह हम मेडिकल कॉलेज में नारे मारते थे जब चुन लाता था हिंदी चीनी भाई भाई, क्या फिर से वो माहौल पैदा हो जाए, उस भाई भाई का मामला चले और हम लोग आगे बढ़ सके। राम मंदिर को लेकर सर लगातार सियासत चल रही है, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खड़गे, उनका कहना है कि भारत के प्रेसिडेंट मुर्मू को क्यों नहीं इन्वाइट करें, उनको इन्वाइट करना चाहिए और वो सदार्थ करनी चाहिए। देखिए, ये धर्म की बात है, इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। भगवान राम सब कह रहे हैं, विश्व के राम है, तो फिर अब किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, इसमें फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं कहेगा। सबको जाना चाहिए, क्यों नहीं आपको इनवाइट? अरे मैं कौन हूँ, मैं एक छोटी सी चीज हूँ भैया, मुझे क्या पटवा ने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बनाया तो जिसने ये राम मंदिर की मुहिम चलाई थी, मैं कौन हूँ? मैं तो छोटी फ्लाई हूँ भैया। राम के नहीं, मैं भ्रष्ट हूँ।